हेलो फ्रेंड, आप देख रहे हैं मीरा टिप चैनल। हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, आज मैं बनाने जा रही हूँ मटर और मशरूम की सब्ज़ी। आपने मशरूम की सब्ज़ी बहुत बार बनाई होगी, लेकिन अगर आप मटर मशरूम नहीं बनाए हैं, क्योंकि मटर तो ठंडी में ही मिलती है, तो मटर मशरूम बनाने के लिए मैं यहाँ पे मटर ली हूँ, एकदम फ्रेश मटर। मैं छील के एक प्लेट ले ली हूँ। आप अपने अनुसार ज़्यादा कम करके मटर ले सकते हैं। ये तो हो गया मटर, और यहाँ पे देखिए यह है 400 ग्राम मशरूम। मैं मशरूम को अच्छे से धो करके काट के रख ली हूँ। बस मैं तीन चार पीस आपको दिखाने के लिए रखी हूँ। देखिए ये जो पीछे का हिस्सा है, इसको थोड़ा सा काट के निकालना है, पूरा नहीं निकालना है। देखिए इस तरीके से काट के निकाल लेना है। बड़ा मशरूम है तो इसमें चार भाग कर लेना है, अगर छोटा मशरूम है तो उसमें दो भाग कर लीजिए। एकदम छोटा छोटा टुकड़ा नहीं करना है, नहीं उबलने के बाद मशरूम एकदम कम हो जाता है। मशरूम तो कट के एकदम तैयार है। अब मुझे लेना है कुकर। कुकर में डालना है कटे हुए मशरूम को, और 1.5 गिलास पानी डाल के प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा के गैस पर रख देना है 4 सीटी लगाने के लिए। तो देखिए मैं रख दी हूँ गैस पे। जब तक कुकर में 4 सीटी लगेगा, तब तक मैं और कुछ काम कर लेती हूँ। जैसे मैं कि यहाँ पे देखिए 1 इंच अदरक का टुकड़ा है, मैं इसको काट ली हूँ। 2 गांठ लहसुन था, मैं इसको भी छील छाल के प्लेट में रख ली हूँ। अदरक और लहसुन का मुझे पेस्ट बनाना है। 3 मीडियम साइज का प्याज था, मैं इसको एकदम महीन महीन काट के रखी हूँ। और 3 मीडियम साइज का टमाटर है, टमाटर का भी पेस्ट बनाना है। तब लेना है मिक्सर जार, और मिक्सर जार में अदरक लहसुन डाल के पेस्ट बना लेती हूँ। तो देखिए पेस्ट बन के अदरक लहसुन का तैयार हो गया है। मैं इसको प्लेट में निकाल लेती हूँ, और इसी जार में फटाक से मैं टमाटर को काट के पेस्ट बना लेती हूँ। देखिए फ्रेंड, टमाटर का भी पेस्ट बन के एकदम तैयार है। अब मैं टमाटर के पेस्ट को दूसरे बर्तन में नहीं निकालूंगी, इसी में रहने देती हूँ जार में ही। और यहाँ पे देखिए कुकर में सीटी भी लग गया है, ये पहला सीटी था। 3 सीटी मुझे और लगाना है। तो देखिए कुकर में 4 सीटी लग गया है। अब मैं गैस को कर देती हूँ बंद, और प्रेशर कुकर को होने देती हूँ ठंडा। जब ठंडा हो जाएगा तब मैं आपको दिखाऊंगी। तो देखिए फ्रेंड, प्रेशर कुकर एकदम ठंडा हो गया है, मशरूम उबल गया है। क्योंकि मशरूम एकदम आलू जैसा नहीं उबलता है कि आप उसको टच करें और अलग अलग हो जाए, ऐसा नहीं है। ये मशरूम पास्ता जैसा कुछ कुछ करता है। अब मैं कुकर को नीचे उतार के रख देती हूँ साइड में, और पानी से मशरूम को निकाल लेती हूँ। देखिए मैं गैस पे रख दी हूँ कढ़ाई गर्म होने के लिए। अब मैं कढ़ाई में डालूंगी 2 बड़ा चम्मच सरसों का तेल। तेल आप अपने अनुसार डालिए, क्योंकि मशरूम की सब्जी में तेल होना ज़रूरी है, क्योंकि मसाला अच्छे से भूनना है। तो देखिए तेल गर्म हो गया है। अब मैं इसमें डालूंगी छौंक लगाने के लिए 1/2 छोटा चम्मच जीरा। जीरा को ज़्यादा लाल नहीं होने देना है, हल्का सा, बस जीरा का कलर चेंज हो जाएगा तब मैं इसमें डाल दूंगी 2-3 लाल मिर्च खड़ा। अब इसके बाद डाल देना है एकदम महीन कटा हुआ प्याज। प्याज को डाल के अच्छे से चला लेना है। इसी स्टेप पर डाल देना है नमक। मैं यहाँ पे नमक 1.5 छोटा चम्मच डाल रही हूँ, आप अपने स्वाद के अनुसार डालें। नमक डालने से प्याज जल्दी से भुना जाएगा, इसलिए मैं नमक अभी डाल रही हूँ। अब मैं इसको ढक के थोड़ा सा पका लेती हूँ, प्याज जल्दी से गल जाए। तो देखिए फ्रेंड, प्याज गल गया है। अब मैं इसमें डालूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट, इसको भी डाल के भूनना है, इसका भी कच्चापन दूर हो जाए। फिर से मुझे इसको ढक के 1 मिनट तक भूनना है। तो देखिए प्याज और अदरक लहसुन का पेस्ट भी अच्छे से भुना गया है। अब मैं इसमें डालूंगी सूखा मसाला। सूखा मसाला में मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालना नहीं भूले, क्योंकि अगर आप कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल देंगी तो मशरूम की जो सब्जी का कलर है देखने में बहुत ही लाजवाब लगेगा। तो सब मसालों को डाल के अच्छे से मिला लेना है। गरम मसाला कहाँ गया, और लास्ट में डाल देना है 1 चम्मच गरम मसाला। सूखा मसाला डाल के ज़्यादा टाइम तक नहीं भूनना है, बस 2-3 सेकेंड तक ऐसे मिला देना है, ज़्यादा नहीं भूनना है सूखा मसाला को। अब डाल देना है इसमें हरा मटर। मटर को डाल के अच्छे से मिलाना है, और मैं ढक के 1 मिनट तक मटर को पकाऊंगी, मटर जल्दी से पक जाए मसाला के साथ।
तो मटर को पकते हुए 1 मिनट हो गया है, लेकिन अभी मटर पका नहीं है, अभी मटर कच्चा है। अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 3 हरा मिर्च, आपका मन है तो डालिए नहीं तो छोड़ दीजिए। और इसी स्टेप पर डालना है टमाटर का पेस्ट। टमाटर का पेस्ट को डाल के अच्छे से मिला लेना है, और जब तक टमाटर का पेस्ट भुनाएगा तब तक मटर भी पक जाएगा। तो क्या करना है, इसको ढक के पकाना है। तो 2 मिनट हो गया है टमाटर के पेस्ट को भूनते हुए, ये देखते हैं टमाटर का पेस्ट भुनाया और मटर पका कि नहीं। यहाँ पे देखिए फ्रेंड, वाह बहुत ही लाजवाब लग रहा है देखने में। अभी हल्का सा कसर रह गया है मटर पकने में, अभी मुझे और इसको भूनना है तो पक जाएगा मटर। अगर ज़्यादा मटर टाइट है तो आप अलग से भी दूसरे बर्तन में मटर को उबाल के डाल सकती हैं। अब मैं इसमें डालूंगी 2 बड़ा चम्मच भर के दही, एकदम ताज़ा दही है, ज़्यादा खट्टा दही नहीं डालना है नहीं तो खट्टा लगने लगेगा। जिस समय दही डालें उस समय गैस का आँच एकदम धीमा कर लेना है, नहीं दही फट सकती है। एक ही डायरेक्शन में चलाना है कि दही फटे ना। दही डालने से मशरूम की सब्जी का टेस्ट और बढ़ जाएगा और देखने में भी ग्रेवी बहुत ही लाजवाब लगेगी। अगर नहीं है घर में दही तो कोई बात नहीं, देखिए दही डालने से ग्रेवी देखिए कितना चमक रहा है, एकदम देखने में बहुत ही अच्छा गाढ़ा लग रहा है। आप डाल देना है उबले हुए मशरूम को, देखिए उबालने में मशरूम एकदम कम हो गया है। मशरूम को भी डाल के अभी मैं 2 से 3 मिनट तक पकाऊंगी मसाले में मशरूम को, उसके बाद मैं थोड़ा पानी डालूंगी। तो यहाँ पे देखिए मशरूम को भी पकते हुए 2 से 3 मिनट हो गया है, मसाले से देखिए कितना तेल छोड़ा है, देखने में कितना अच्छा लग रहा है। अब मैं इसमें डालूंगी गर्म पानी, तो मैं यहाँ पे 1 गिलास डाल रही हूँ पहले, और पानी को डाल के चला के देखूंगी कि ग्रेवी कैसा है, कहीं पतला ना हो जाए। तो देखिए ग्रेवी अभी बहुत गाढ़ा है, तो मैं आधा गिलास और गर्म पानी डाल देती हूँ। अब मैं फिर से इसको ढकूंगी और ढक के 2-3 मिनट तक पकाऊंगी। तो चलिए देखते हैं, 2 से 3 मिनट हो गया है, देखते हैं सब्जी बना कि नहीं। मशरूम की सब्जी बन के एकदम तैयार हो गया है, ग्रेवी भी बहुत ही अच्छा बना है, ना ज़्यादा पतला है ना गाढ़ा है। अगर ये जैसे जैसे ठंडा होगा वैसे वैसे गाढ़ा होते जाएगा, इसलिए ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है। अब गैस को बंद करके अब डाल देना है ऊपर से धनिया पत्ता। अब मैं इसको प्लेट में निकाल के दिखाती हूँ। आप लोगों को मटर और मशरूम की सब्जी का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब मैं मिलूंगी अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड।